हेलो, नमस्कार, प्रणाम, पहला आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है प्रेमा व्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मेरी स्टार्ट हो चुकी है दिवाली की सफाई, और सबसे पहले सफाई स्टार्ट कर रही हूँ मैं बैठक कमरे से, क्योंकि जो मेन कमरा होता है ना, वो हमेशा चमकता रहना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मेहनत बैठक कमरा साफ़ करने में ही लगती है, क्योंकि यहाँ पर सामान बहुत सारा है, शोकेस वगैरह हैं, फूल वगैरह हैं, गुड्डे वगैरह हैं, तो ये सब चीज़ें साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। बैठक साफ़ करने के बाद आ गई हूँ मैं अपने रूम में। मेरा रूम ना बहुत छोटा सा है पर प्यारा सा है, तो अपने रूम के भी मैंने सारे पर्दे निकाल दिए हैं। और मेरे रूम का ना जो पर्दा लगाने वाला डंडा है ना, जिसमें हुक अटकाते हैं, वो हुक भी टूट गया था मुझसे, तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो मैंने उसको ऐसे ही अटका दिया, हस्बैंड जी ने कहा मैं बाद में सही कर दूंगा। और बाकी सारे पर्दे मैंने निकाल दिए। आज मेरी चल रही है सफाई अभियान, क्योंकि मैं सोच रही हूँ करवा चौथ से पहले आधी सफाई कर देती हूँ। तो बस आज सारे पर्दे मैंने धोने के लिए निकाल दी हैं, बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी है, और ये सारा का सारा काम मैंने कर लिया है। सारा काम करने के बाद मैं नहाकर रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि अब मैंने करनी है पूजा, और नहाने के बाद फिर बाकी के काम करूँगी, क्योंकि मैंने पर्दे वगैरह सब भिगा दिए हैं, उनको मैं धोऊँगी आराम से। तो यहाँ नहाने के बाद मेरा थोड़ा सा मेकअप चल रहा है, पूजा वूजा करके मेरा और भी बहुत सारा काम है आज। तो अब मैं आ गई हूँ अपना वही काम करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे को आज धोने थे गेहूँ, तो मैंने समरसीवल चलाई और फटाफट गेहूँ धो दिए, क्योंकि नलके के पानी में ना बहुत थोड़ा थोड़ा पानी आता है, और गेहूँ जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे हैं, क्योंकि इस बार आप जानते हैं कि गेहूँ गिर गए थे खेतों में, तो मिट्टी वगैरह ज़्यादा आई है, धूल वगैरह गेहूँ में। तो बस इसीलिए मैंने सोचा पानी जो है ज़्यादा ज़्यादा चला के तब काम करती हूँ। यहाँ मेरे कपड़े भीग रहे थे, तो मैंने पूरे कपड़े अपने बढ़िया तरीके से बांधे और बन गई झांसी की रानी। और यहाँ मैं फटाफट से गेहूँ धो रही हूँ, क्योंकि भाई देखिए, मोल का आटा तो बहुत महंगा होता है, और जब अपने घर में गेहूँ है तो मोल का आटा खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए थोड़ी बहुत मेहनत लगती है धोने में, पर कोई बात नहीं, यहाँ मेहनत करने से मैं कभी नहीं डरती हूँ। तो मैं फटाफट से गेहूँ धोती हूँ, और उसके बाद मुझे बहुत सारे काम हैं, इसलिए पहले गेहूं धोती हूं, उनको धूप में डालती हूं, उसके बाद बाकी के काम करूंगी। तो ना अभी क्या हो रखा है, मैंने सारे के सारे पर्दे गर्म पानी में भिगा दिए थे, तो उनको भी मैं धीरे धीरे करके धो रही हूं। और एक तरफ मेरा बन रहा है खाना, और एक तरफ धुल रहे हैं कपड़े। तो आधे कपड़े मैंने अभी धो दिए हैं और मशीन में सुखा कर धूप में डाल रही हूँ, क्योंकि सुबह से काम बहुत हो गया था, तो धूप भी देर देर में आती है, तो मैंने सोचा तब तक मैं आराम से कपड़े वगैरह भिगा देती हूँ। तो कपड़े अब जाके मैं धो रही हूँ, और एक तरफ मेरा बन रहा है खाना, एक तरफ पर्दे धुल रहे हैं, एक तरफ बन रहा है खाना। तो खाने में आज मैं क्या क्या बना रही हूँ, खाने में मैं बना रही हूँ आज पुलाव और खीर और चटनी। दूध बच गया था, तो मैंने सोचा चलिए खीर बना लेते हैं। तो बस एक तरफ मैंने खीर बनने रखी हुई है, एक तरफ मैं बना रही हूँ पुलाव, और अभी चटनी बनाऊँगी। तो बस धीरे धीरे करके सारे ही काम हो रहे हैं, फिर बेटा भी आ जाएगा स्कूल से, तो बस उसके आने तक खाना बनी जाए, माने काम मेरा हो ही जाएगा। तो आज कपड़े बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि अब दिवाली आने वाली है, तो सफाई चल रही है, तो धीरे धीरे करके सफाई अभियान पूरा खुल गया है। अब धीरे धीरे करके एक एक रूम करके सारे रूम साफ़ कर रही हूँ, तो सही हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता काम का, एक एक करके सारे रूम तब तक साफ़ हो ही जाएंगे दिवाली तक। तो बस, तो चलिए मैं करती हूँ अभी अपना काम, बहुत सारा काम बाकी है, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म खीर बन रही है, और इधर बन रहे हैं पुलाव। तो दोस्तों कपड़े भी धुल चुके हैं, और बढ़िया धूप भी आ रही है, सूख भी जाएंगे। और जब तक कपड़े मैंने धोए, तब तक मेरा बन चुका है यहाँ पर पुलाव खिचड़ी। तो ये देखिए बढ़िया खिचड़ी तैयार हो चुकी है, टमाटर की चटनी के साथ। तो बस अभी हस्बैंड और बेटा आएंगे, तब खाएंगे, और ये बनी है टमाटर की चटनी।
एकदम कटोरी भर के टमाटर की चटनी बनाई है। टमाटर की चटनी और खीरा भी बनी नहीं है, क्योंकि खीर ना मैंने बहुत ही सिम गैस में रखी हुई, जितनी हल्की आंच में पकेगी ना उतनी ज़्यादा गाढ़ी होगी और स्वादिष्ट होगी। और खीरा भी बनने में देर है, तो तब तक मैं सोच रही हूँ अपने और कुछ काम कर लेती हूँ। तो चलिए आप लोग से खाना खा के फिर मिलते हैं क्या होता है। तो जी खाना हमारा हो चुका है और टाइम बज गए हैं 2:30 और बेटे के आने का टाइम भी हो गया है। बेटा आएगा 3:15 बजे, तो मैंने सोचा तब तक चलिए खाना वाना खा के अब अपना कुछ और काम कर लिया जाए। तो अब आज हो गया था मक्खन बन गया था, घी चलाने के लिए हो गया था, तो मैंने मक्खन मक्खन बना के घी बना दिया है और अभी मैंने घी बनने रखा हुआ है। आज पूरा दिन ना काम में ही बीत गया, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि टाइम कैसे चला गया। और अभी मैंने घी बनने के लिए रख रखा है, ये देखिए अभी बन रहा है धीरे धीरे करके, तो मैंने हल्की आंच में रख दिया है बनने के लिए। काम में लगे रहो ना तो टाइम का पता नहीं चलता है, और खाली बैठे रहो तो टाइम कटता नहीं है। तो बस यहाँ मैंने घी बनने रखा है, यहाँ पे घी बनता रहेगा और अंदर मैंने लगा रखी है पिक्चर राम और लखन, बहुत पुरानी मूवी है तो वो मूवी भी देख रही हूँ मैं टाइम पास करने के लिए। आज बहुत टाइम के बाद मैं कोई मूवी देख रही हूँ, राम और लखन, तो वही मूवी देख रही हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आ जाएगा, तो बस आज पूरा टाइम ऐसे ही बीत गया। और अभी पर्दे भी सूखने वाले होंगे क्योंकि धूप ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, देखिए इतनी तेज़ धूप हो रखी है। तो पर्दे भी सूख चुके हैं, मुझे लग रहा है अब सोच रही हूँ कि पर्दे लेकर आती हूँ और पर्दों को भी सेट कर देती हूँ उनकी जगह पे। तो धीरे धीरे करके काम होते रहेंगे, हो ही रहे माने। तो चलिए अब मैं, बेटा आ जाएगा तब तक मैं अपने बाकी के काम भी निपटा लेती हूँ। 2 hours later तो जी हो चुकी है शाम और टाइम हो गया है रात के खाने का। और रात के खाने में आपको जैसे दिख रहा है क्या बन रहे हैं, तो आज बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म कोफ्ते, क्योंकि लौकी खाना कोई पसंद नहीं करता और कोफ्ते बने तो कोई छोड़ता नहीं है। तो मैंने आज बहुत ही बढ़िया कोफ्ते बनाए और आज ना मेरे से थोड़े से बड़े बड़े कोफ्ते बन गए, वरना मैं बहुत छोटे छोटे बनाती, तो मैंने सोचा चलिए बड़े बड़े बना देती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा सेकने में पर कोई बात नहीं। तो यहाँ मैंने हल्की आँच में कोफ्ते रख दिए हैं बनने के लिए, तो यहाँ हो रहे हैं कोफ्ते रेडी। लौकी ना बहुत सारी थी तो कोफ्ते भी ना बहुत सारे बन गए, कोई बात नहीं सुबह नाश्ते में भी काम आ जाएंगे क्योंकि कोफ्ते सबको ही पसंद है। तो यहाँ मैं अब नाइट में कोफ्ते बना रही हूँ और यहाँ पर कोफ्ते बनके एकदम रेडी हो चुके हैं। और ये सब सब्जी बनाने के बाद मैं जाती हूँ फिर दूध लेने। तो चलिए आज की ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।